तो हाय गाइस, आ चुके एक और न्यू वीडियो के साथ वापस। तो भाई आज किस वाले वीडियो पर आपको बताऊंगा इस कौन सा मतलब जॉयस्टिक आपको रखना चाहिए और किन लोगों के लिए ये वाला जॉयस्टिक है और मतलब कौन इसे यूज़ कर सकते हो, क्योंकि ये जो है जॉयस्टिक गाइस सब लोग यूज़ नहीं कर सकते। क्योंकि देखो जिसका गाइस मतलब जिसका जो आदत है मतलब जिसका जो हैबिट हो चुका है खेल का, जो छोटा वाला जॉयस्टिक जो यहाँ पर है गाइस, वो मतलब जो यहाँ पर आप गोल टाइप का देख रहे हो उतना ही बहुत सारे बंदे मतलब रखते हैं, मतलब 60 to 100। मैंने एक जो बनाया था जॉयस्टिक का वीडियो, वो बहुत ही अच्छा आप लोगों ने रिस्पॉन्स दिया उस पर। तो भाई वो वाला आप देख सकते हो जॉयस्टिक साइज और क्या है मतलब आपको साइज रखना चाहिए, वो सारा कुछ बताएं उस वाला वीडियो पे कि आप आगे जाके क्यों अटक जाते हो इस तरह। मतलब आप मान लो कहीं पर कोई पेड़ पे आप टीपीपी लेना चाहते हो तो भाई आप आगे क्यों चल जाते हो, ठीक है। ये सारा कुछ मतलब प्रॉब्लम उस वाले वीडियो पे बताएं और आपका सॉल्व भी होगा, वो वाला वीडियो देखो। और उससे भी अगर नहीं हो रहा तो गाइस ये वाला वीडियो पे देखो, गाइस फुल वॉच करो, आपको मैं बताता हूं ये वाला जॉयस्टिक कैसे आपको रखना है और इससे क्या फायदा होता है। तो भाई देखो जैसे आप लोगों ने TDM पे आप लोगों ने मैंने देखा तो गाइस मेरा पूरे मतलब जो मतलब पूरा डे मतलब खेला आज, मतलब यार क्या ही चला यार, मैं क्या बताऊँ आपको। आप ये वाला एक बार रख के देखो यार क्या ही चलेगा। तो भाई यहाँ पर देखो 60 to 100 जॉयस्टिक साइज जो होता है वो उन लोगों के लिए जो यहाँ पर जॉयस्टिक को रखते हैं और इजीली संभाल लेते हैं, बट जिससे संभाल नहीं रहा है अब मतलब हर तरह से आप लोग मतलब अप्लाई कर चुके हैं बट ये काम नहीं हो रहा, तो गाइज आप ये वाला सेटिंग कर सकते हो, बहुत ही ज़्यादा ईजी है भाई, ये बहुत ज़्यादा ईजी है और आप रखो, आपको जरूर इंप्रूवमेंट मिलेगा, सारा कुछ मिलेगा गाइज। आप अगर TDM खेलो या इरंगल खेलो आपको मतलब रिफ्लेक्स वगैरह सारा कुछ आपका हो जाएगा, ठीक है। तो भाई देखो कैसे आपको इसे सेट करना, तो आपको जस्ट आपको सेटिंग में जाना अपना और क्लॉ पे जाना है, यहाँ पर सॉरी गाइस कंट्रोल पे जाना है, यहाँ कस्टमाइज पे जाना है और भाई देख सकते हो यहाँ पर मेरा जॉयस्टिक कितना बड़ा, मतलब आप देख सकते हो। तो भाई 170 पे आप देख सकते हो यहाँ पर, बट अभी जो मैंने जॉयस्टिक पे क्लिक किया तो गायब हो गया, तो भाई क्योंकि मैंने उसे हाइड करके रखा, मतलब नीचे उसको मतलब मैं हाइड कर चुका हूँ, तो उसे वापस लाना है। तो गाइस देखो मुझे क्या करना होगा, ये वाला जो स्प्रिंट बटन है गाइस इसे हमको छोटा करना होगा, तभी वो जो है जॉयस्टिक मेरा ऊपर आएगा। तो सेव करते हैं यहाँ पर और एग्जिट करते हैं, फिर से कस्टमाइज पे आते हैं और देख सकते हो यहाँ पर मेरा जॉयस्टिक जो गाइस शो हो चुका है। तो इस तरह से आप मतलब इसे नीचे ला सकते हो और ऊपर भी ला सकते हो। तो चलो गाइस इसे हम ऊपर ले आते हैं क्लिक करके, तो गाइस ये ऊपर आ चुका हमारा जॉयस्टिक। तो पहले आपको क्या करना, देखो यहाँ पर ये वाला जो है गाइस ये वाला ये चीज़ कम ज़्यादा वाला, ठीक है। तो आप इसे कम ज़्यादा करते करते ही आपका स्प्रिंट जो बटन होता है वहाँ क्लिक करना, तब जाके आपका स्प्रिंट बटन पे शो होगा, नहीं तो बहुत सारे बंदे का स्प्रिंट बटन कुछ इतना दिखता हुआ, ठीक है, कुछ इस तरह से दिखता हुआ, ठीक है, दिखता है ना स्प्रिंट बटन इतना पे। तो भाई अगर आप जॉयस्टिक पे क्लिक करोगे तो स्प्रिंट बटन जो यहाँ पर आपका क्लिक नहीं होगा, मेरा जैसे हो जा रहा है, तो यहाँ पर आप अभी कम ज़्यादा जो है नहीं कर सकते। देखो मैं यहाँ पर कम कर रहा हूँ तो नहीं हो रहा भाई, कोई उपाय नहीं है, ठीक है, आपका भी नहीं होगा। लेकिन अगर आप स्प्रिंट बटन को मतलब छोटा करना चाहते हो तो देखो भाई आपको यहाँ अगर आप छोटा इसे करोगे स्प्रिंट बटन को, तो ही आपका जॉयस्टिक जो इस मतलब इस कोने पर हाइड हो सकता है, नहीं तो फिर आपका नहीं होगा। तो देखो स्प्रिंट बटन को मतलब छोटा कैसे करना, आपको जॉयस्टिक को यहाँ क्लिक करना है और यहाँ पर मतलब ये करना है कम 100 200 100 200 मतलब कुछ इतना करते रहना, ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं 100 200 करना, आपको इस तरह करते करते ही आपको स्प्रिंट बटन पर क्लिक कर देना। फिर देखो स्प्रिंट बटन पर हमारा आ चुका है, तो गाइज इसे आप ये छोड़ना मत, जितना आपको यहाँ पर छोटा करना आप कर सकते हो। तो लास्ट यहाँ 50 होता है, तो 50 करने के बाद यहाँ पर स्प्रिंट बटन पर क्लिक करना और आपको जस्ट ऐसे ऊपर करना है और जॉयस्टिक को यहाँ पर नीचे करना है, फिर स्प्रिंट बटन को ऊपर करना है और आपका जॉयस्टिक को नीचे करना है, फिर स्प्रिंट बटन ऊपर जॉयस्टिक नीचे, कुछ आपको इस तरह से मतलब लगा लेना जहाँ आपका थंब मतलब ईजिली मतलब सेट होता है, तो आप इसी तरह कर सकते हो नीचे ऊपर नीचे ऊपर। जॉयस्टिक ऑलमोस्ट आपको कितना गायब करना मैं यहाँ पर आपको करके दिखा रहा हूँ। तो भाई यहाँ पर सबसे पहले आप 170 यहाँ पर कर लेना, ठीक है, नहीं तो फिर बाद में आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जब नीचे चल जाएगा तो फिर आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा, फिर से आपको फिर स्प्रिंट बटन में क्लिक करके इसको छोटा करके ऊपर लाना होगा जैसे मैंने अभी दिखाया। तो यहाँ पर अभी चलो 70 कर लेते हैं, तो भाई हमारा 70 हो चुका है, तो यहाँ पर इसको स्प्रिंट बटन ऊपर करते हैं, इसको नीचे कर लेते हैं कुछ,
तो भाई देख सकते हो यहाँ पर जॉयस्टिक को हमने पूरा ज़्यादा मतलब यहाँ पर हाइड कर चुका है। अब आपको क्या करना है, जस्ट यहाँ पर सेव करना है। तो इसमें गाइस कोड वगैरह की कोई दिक्कत ही नहीं है आपको, ये आप अपने से कर सकते हो। आपको जैसे मैंने बताया आप इसी तरह से सेम कर लेना भाई, जॉयस्टिक को क्लिक करके ही मतलब आप 100, 200, 500 मतलब ये चलाते रहो, ठीक है। साइज इसका चलाते रहना, बटन साइज जॉयस्टिक पे क्लिक करके, ठीक है। तो जैसे मतलब साइज पे छोटा छोटा बड़ा आप करते रहोगे यहाँ पर बटन साइज पे, और फट से आपको स्क्रीन बटन क्लिक करना है और उसे छोटा कर देना, फिर स्क्रीन बटन को ऊपर करना, जॉयस्टिक को नीचे करना, फिर आपको यहाँ पर सेव कर देना जस्ट। तो जैसे सेव करोगे देख सकते हो मेरा यहाँ पर जो जॉयस्टिक भाई इजिली मतलब बन चुका है। तो भाई इसी तरह से आप भी ये वाला सेटिंग कर सकते हो। अब इससे फ़ायदा क्या है, चलो मैं यहाँ पर बता देता हूँ। तो मान लो जैसे सामने बंदा है, ठीक है, सामने बंदा है, तो भाई बहुत सारे बंदे का जो जॉयस्टिक यहाँ पर रहता है तो उसका फिंगर ऑलरेडी इस जगह पे आ जाता है आगे जाते टाइम, ठीक है, इस जगह। जब आप फिर आप जिगल करते हो तो यहाँ पर आने के बाद कोई जिगल का फ़ायदा आपका नहीं होता। तो इसलिए गाइस देखो, आपको अगर आप ये वाला सेटिंग कर लेते हो और अगर आपका फिंगर यहाँ पर क्लिक होता है, ठीक है, और आपका मतलब इस तरह जा रहा है आगे, तो फिर आप इजिली हल्का से नीचे करोगे तो देखो आपका जिगल जो इजिली हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हो आप, जैसे कि मान लो बहुत सारे बंदे यहाँ पर क्लिक कर देते हैं, ठीक है, तो चलो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर क्लिक कर लो, आप आगे जा रहे हो, ठीक है, आगे जा रहे हो और आपको जिगल करना, तो आप हल्का से भी नीचे करोगे तो आपका जिगल जो यहाँ इजिली हो जाएगा। तो गाइज ये उन लोगों के लिए जो मतलब यहाँ से फिंगर मतलब यहाँ आ जाता है तो आप इजिली जिगल कर सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं। तो भाई वही लोग के लिए, तो जिसका जॉयस्टिक प्रॉब्लम है वही लोग मतलब इसे मतलब ट्राई करो, और जिसका जॉयस्टिक जो गाइज सही है तो आप बिगाड़ो मत, इससे कोई प्रो वगैरह की चीज़ नहीं है। अगर जिससे काम नहीं हो रहा, जॉयस्टिक का प्रॉब्लम हो रहा, अटक रहा है, तो भाई आप ये कर सकते हो, 170 पे करो, और जैसे मैंने बताया आप इस तरह से कर सकते हो। अभी गाइज आपको जिगल के बारे में कुछ बता देते हैं। जैसे कि मान लो आप इतना क्लोज में रहोगे तो आपको ये जिगल करना है, ठीक है, फास्ट वाला जिगल करना है। मान लो इतना क्लोज में बंदा रहता है तो आपको फास्ट जिगल करना, क्राउच भी कर पाओगे तो क्राउच करना, बट एनी टाइम क्राउच करने का भी कोई जरूरी नहीं है। और आप मिड रेंज में रहो तो मिड रेंज में जब आप रहोगे इतना में कुछ, तो आपको मतलब कुछ इतना इतना करना है, ठीक है, इतना इतना करना। और आप एकदम ही पीछे रहोगे तो आपको हल्का सा गाइस लॉन्ग करना है, ठीक है, हल्का सा लॉन्ग करना। तो भाई यही चीज़ है, क्लोज में आपको फास्ट करना है, मीडियम में आपको हल्का सा मतलब मीडियम टाइप का करना, और लॉन्ग में गाइज आपको लॉन्ग जिगल ही करना। सो गाइज यही कुछ था आज इस वाले वीडियो पे। तो गाइज आप आई होप कि आप ये वाला मतलब जो वीडियो समझ गए होंगे। तो भाई जल्दी से अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करो यार, उसे बताओ मतलब अगर उसे भी तकलीफ होती है जॉयस्टिक वगैरह का, तो भाई उसे जल्दी से बताओ। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट जरूर करो, चैनल पर न्यू हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।